लखनऊ में मेले भी बहुत होते हैं। मेले मतलब इतने हैं लखनऊ में, इससे पहले वाला आपने ब्लॉग देखा होगा डालीगंज का मेला और ऐसे उत्तरायणी का मेला, उससे पहले उत्तराखंड महोत्सव, बहुत सारे मतलब यहाँ महोत्सव होते रहते हैं। तो लखनऊ का सबसे बड़ा महोत्सव है भारत महोत्सव, जो लखनऊ महोत्सव के नाम से फेमस है, वो लगता है बिल्कुल बंगला बाजार के पास आसियाना के पीछे। बहुत बड़ा ये फील्ड बहुत बड़ा है, जहाँ पर आप इको पार्क है ना, इको पार्क के स्मृति उपन पे ये लगता है मेला, बहुत बड़ा मेला है। देखो आप भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो पहले हमको लगी है भूख, हम लोग मेले के अंदर आ गए हैं। मेले के अंदर आने के लिए 40 रुपये आपको टिकट देना पड़ेगा पहले, वो मैंने आपको दिखाता हूँ कहाँ पर टिकट मिल रहा है, क्या मिल रहा है। पार्किंग के लिए आपको बाइक का 20 रुपये और कार का 50 रुपये, वो ही पे करना पड़ेगा। तो निहारिका को लगी है आते ही भूख, तो पहले हम जाएंगे फूड वाले सेक्शन में यहाँ पे और कुछ खाएंगे, उसके बाद आपको पूरा मेला घुमाएंगे। तो भैया ये वाला मेला देखने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 40 रुपये, और जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनकी एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप व्यस्क हैं तो आपको 40 रुपये पर पर्सन पेड ही करना पड़ेगा। तो ये ले लिया देखियो हमने टिकट, मतलब यानी कि जो मेला है वो है आपके 14 दिसंबर तक। आज है 2 दिसंबर है, आज नहीं, आज 4 दिसंबर है आज, और मेला है 14 दिसंबर, 10 दिन और बचे हुए हैं। तो मतलब क्या है, भारत महोत्सव है, तो भारत महोत्सव के हिसाब से सब लोग आए हुए हैं बाहर से, मतलब जितने भी व्यापारी हैं वो लोग आए हुए हैं बाहर से। तो फिलहाल मैंने जैसा आपको बोला था कि हम लोग आए हुए हैं पहले फूड सेक्शन में, क्योंकि निहारिका को लगी है भूख। तो यहाँ पर टुंडे कबाब लखनऊ के जो फेमस हैं, वाहिद की बिरयानी फेमस है, तो सारे के सारे स्टॉल लगे हैं। फिलहाल हम लोग नहीं खाना है नॉन वेज, हमको खाना है वेज, तो हम लोग को ढूंढना है वेज यहाँ पे। तो यहाँ पर लगे हुए हैं ऐसे ही आपके चाउमीन, मोमो और मैक्रोनी के स्टॉल। तो उधर सामने कहीं झूला भी लगा हुआ है, तो पहले हम लोग पूरा घूमेंगे, पहले पेट पूजा करेंगे, उसके बाद तो आपड़ो राजस्थान में हम लोग आ गए हैं। बाजार रोटी, कैर संगरी, क्या क्या चीज़ें मिल रही है। आ जाओ निहारिका इधर, तो इधर है यहाँ का फूड सेक्शन, तो यहाँ खाते हैं कुछ ना कुछ। ये मूंग का हलवा है, मूंग दाल का, मूंग दाल हलवा। और ये कड़ी है सर, राजस्थानी कड़ी, राजस्थानी कड़ी। और ये बेसन कट्टे का सब्जी है सर। अच्छा, और ये पंचायतन दाल है, दाल। तो भैया जो रॉयल थाली है इसमें क्या क्या देते हो आप सर? रॉयल थाली में तो 2 बाटी, हाँ, दाल, हाँ, कड़ी रहेगा, हाँ, गट्टा सब्जी रहेगा, हाँ, हलवा रहेगा, लड्डू रहेगा, केर सांगी सब्जी, चटनी रहेगा, हाँ, और राइस रहेगा, हाँ, सलाद रहेगा, जलेबी रहेगा मीठे में। अच्छा। और गुड़ और पापड़ रहेगा। हाँ, तो फिलहाल हमने की है, हमने कौन सी थाली दी है आपको? स्पेशल राजस्थानी ना, स्पेशल राजस्थानी। आप राजस्थान से आए हो? मतलब आप लखनऊ के रहने वाले हो, राजस्थान से? ऑल इंडिया से। अच्छा, ऑल इंडिया से मेले करता हूं। अच्छा, मेले में जाते हो, ऐसे खाना बनाते हो? 10-12 साल से आ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, और भीड़ आप देख सकते हो, राजस्थानी स्टॉल में भीड़ ज़्यादा है और जगह की अपेक्षा। तो हम लोग को पूरा वेज खाना खाना था, तो हमने राजस्थानी थाली ऑर्डर की हुई है, मंगाई थी राजस्थानी थाली। तो उसमें जो लस्सी मिली थी, तो निहारिका ने लस्सी पीना पहले से स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हाँ लस्सी मिठाई होती है, ठीक है, वो राजस्थान की भाषा में। तो इसमें हमारे पास एक बाजरे की रोटी, एक मिस्री रोटी, दाल है, गट्टे की सब्जी है, कड़ी है, और ये है आपकी कैर संगरी की सब्जी, और वो है आपकी चटनी, और ये है लड्डू, चूरमा लड्डू, और ये है मूंग दाल का हलवा, ये है बाटी, ये है बाटी। तो इतना इसमें है, तो थोड़ा मेरे को भी चावल देने वाले, उनसे बोला है चावल देने के लिए, क्योंकि इसमें चावल नहीं है खाली में, और बगैर चावल खाए मेरे को पेट नहीं भरता। कैसा स्वाद, कैसा रहा? अच्छा। किसका? इसका। सब्जी का? कौन सब्जी है? कैर सांगरी। क्या होता है? कैर सांगरी होता है ना, एक वो हल्का सा तना टाइप का। तो निहर का पेट भर गया? हाँ। है फिर निहर का पेट भर गया, मेरे पेट भर। बाकी हमने एक थाली ली, उसमें 2 ही रोटी थी और तो चावल थे और एक सब्जी बना था ना, इसलिए जल्दी पेट। लेकिन मोस्टली खाना पूरा घी का बना था, तो लास्ट में मतलब मैं सोचा कि ये कड़ी पूरी पी लूँगा और दाल बाटी भी पूरी पी लूँगा, लेकिन क्या होता है वो गट्टे की सब्जी वो भी मैं पूरी पी लूँगा, लेकिन क्या है कि पेट भर गया। नहीं, मुझे लग रहा था 2 रोटियों मंगानी पड़ेंगी, फिर मुझे भी ऐसा लगा जब लास्ट में खाना खा लिया तो अब जाके पेट भर गया। साथ साथ पंजाबी अमृतसर के मसूर छोले कुलचे, साथ साथ मक्के की रोटी, सरसों साग, सब कुछ लगा हुआ है। पहले मैं आपको लेके जाता हूँ झूले वाले सेक्शन में, फिर मैं आपको लेके आऊँगा इस वाली मार्केट की ओर। तो तुरंत फूड कोर्ट से हम लोग पहुँचे आपके सेक्शन में, जहाँ बच्चे करेंगे एंजॉय। तो इस साइड लगे हैं मिक्की माउस, तो यहाँ पे एक छोटा वाला झूला है जो ऐसे राउंड कर रहा है अपनी जगह पे। यहाँ पे भूत बंगला है जहाँ पे हॉरर शो चल रहा है, और साथ साथ पे इधर भी मिक्की माउस लगे हुए हैं।
तो ऐसे देखते हैं यहाँ क्या कौन कौन झूले हैं अभी लगे हुए मोस्टली। तो भैया ट्रेन जाने वाली है लखनऊ से दिल्ली, वो वाली निहारिका को ट्रेन में बैठना अच्छा लगता है। बैठोगी ट्रेन में? आज नहीं बैठोगी। तो वो वाला झूला है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, खाली घूम रहा है फिलहाल। बगल में एक कोलंबस है। अगर आपको बैठना है ऊँट पे तो आप राजस्थान के ऊँट का मजा लखनऊ में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऊँट की सवारी भी हो रही है, एक साथ दो लोग बैठ सकते हैं। निहारिका ना, इसको मैंने बोला कि ऊँटे बैठेंगे तो वो भाग गई। ये तो यहाँ पे है कैमल आया हुआ, कैमल राइड भी हो सकती है साथ साथ में। तो यहाँ पे है राजस्थानी अचार, जो एक बार खाए वो बार बार आए लिखा हुआ है। इसमें मिर्च है, आंवला है, जी है, आम है, लहसुन है, तो हर वैरायटी का अचार यहाँ पर। तो जैसे हम लोग डालीगंज मेले में गए थे तो वैसे ही ये वाली मार्केट भी वैसी ही है। देखिए हर माल 15 रुपये, हर माल 100 रुपये, ऐसे यहाँ पर मिल रहा है। निहारी का कप्ता उससे ये देखो, ये अगर तुम्हें ऐसे चप्पल खरीदने तो चप्पल अच्छे। तो यहाँ पर चूड़ियों की दुकान है, तो निहारी की नज़र वहीं अटकी हुई है। मुझे मालूम है कि चूड़ियों पर दुकान पर उसकी नज़र अटकी होगी। तो अभी उस साइड में जो पूरा भारत वाला है ना, उस साइड में है थोड़ा, ये मेले के पास में घूम रहे तो यहाँ पर आपको आइटम अभी लोकल टाइप का दिखाई देगा। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, शेर बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं, गाय बनी हुई है। निहारिका से किनारे कट के चले गई उधर, 100 रुपये के 2 पायदान मिल रहे। तो ऐसे है कुछ यहाँ पर नज़ारा। यहाँ पर बैग्स हैं, मेज पोस हैं, कॉकरी का आइटम है, लेडीज बैग बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, रुमाल वगैरह मिल रहे हैं। कहीं सेल 20 रुपये की है, कहीं 50 रुपये की है। बाकी तो आप मेले पे आओगे तो आपको देखने को पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए हर माल है 60 रुपये, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है। निहारी का हर जगह चूड़ी की दुकान में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसे भगा कर ला रहा हूँ। फिर से देखो वो फिर चलेगी उधर। पर लगा है हरियाणा हैंडलूम, साथ में है चादर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंबल, चादर, डबल बेड सीट, ऐसे बहुत सारा आइटम यहाँ पे मिल रहा है। अभी तो उस वाली साइड में मार्केट में जहाँ मार्केट तो हर माल 10 रुपये ऐसा कुछ, लेकिन इस साइड में अब आ गए तो ये है थोड़ा हाई प्रोफाइल, पता कि थोड़ा महंगा महंगा आइटम मिलेगा। तो इधर यहाँ पर कंबल लगे हुए हैं, साथ साथ में लगी हुई है चादर। तो आप यहाँ भी आके अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा मार्केट से एक्सपेंसिव लग रहा है मामला। बार्गेनिंग करके आप जो खरीद सकते हो वो अलग बात है। तो भैया यहाँ पर 650 रुपये की जैकेट मिल रही है, वो भी कौन सी, पैरासूट क्लोथ वाली। ऐसा है कुछ नज़ारा। तो अब हम लोग आ गए, मतलब जो थोड़ा मामला महंगा है। निहारी का एक वो पसंद आ गया था, कालीन टाइप का, 1000 रुपये में बात हुई है। सस्ता मिलेगा तो वहीं जा, वहाँ से लेंगे, वरना कहीं और से। ये पूरी कंबल की मार्केट है। तो इधर साइड छाया है, पर सन्नाटा सन्नाटा, इधर को कोई लोग ही नहीं आ रहे। निहारी का देखो पूरा घूमते घूमते इसकी नज़र कहाँ टिकेगी पता नहीं चलेगा। कुछ सारा सामान कॉकरी का कुछ ऐसा है, गमले हैं बहुत घर के अंदर रखने वाले, जिसमें वाले ऑक्सीजन वाले पेड़ लगते ना, वो वाले गमले यहाँ पे हैं। इधर वापस कालीन है, हमारी दरकार है कि हमको 1000 रुपये में मिल गया है, लेकिन हम लोग को अब 800 रुपये में ढूंढना है। 800 रुपये मिल जाएगा तो फिर 800 रुपये का खरीदेंगे।
तो ये थोड़ी स्पेशल दुकान है, इसमें थोड़ा बिस्कुट उस्कुट थोड़ा अलग टाइप का मिल रहा है। राजस्थान की गजक मिल रही है, कोकोनट क्रीम मिल रही है, ऐसा कुछ जूस वगैरह मिल रहा है। साथ में यहाँ पर कुछ एक बुक का स्टॉल भी लगा हुआ है, तो आप बुक भी आप ले सकते हो यहाँ पर। साथ में ये देखिए, ये बहुत अच्छी सी स्टेशनरी है लगी हुई, यहाँ पर श्री श्याम जी की मूर्तियाँ हैं कढ़ाई वाली। तो जो यूनिक चीज़ों में देखने को मिली थी, ये मिली है बेम्बू से बनी हुई टोकरियाँ, ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब इनका रेट क्या होगा वो तो भगवान जाने, निहारिका पूछेगी, जा पूछो कितने रुपए की टोकरी तुम्हें तो पसंद है। तो हम देखे थे कुछ ये स्पेशल, हमने कहा कुछ यूनिक चीज़ें कोई मेले में ही मिलती हैं, तो ये हमें को एक चादर पसंद आई है। हैं हाँ, तो ये चादर काफ़ी अलग टाइप की है, 1600 कॉस्ट बताया उन्होंने करीब। ठीक है, उत्तराखंड हर करघा उद्योग भी यहाँ पर आ गया है, तो उत्तराखंड की टोपी मिल रही है, साथ साथ में उत्तराखंड खादी उद्योग का सारे कुर्ते और नेहरू जैकेट मिल रही है। तो भैया, हमने आसिफ भाई जान के यहाँ से ले लिया है कालीन, हमको यहाँ पर रेट मिल गया सही, तो आप भी इनकी दुकान में आ सकते हैं। कहाँ पर लगा हुआ है? बिल्कुल प्लॉट नंबर 6 है, प्लॉट नंबर 6 पे लगा हुआ है। तो इनके पास बेहतरीन बेहतरीन कालीन है। ये कितने कॉस्ट बता दीजिए जल्दी से। 4500 का, 3500 रुपये का ये है, ये 6500 का। ये 3D पैटर्न में है, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप इनकी दुकान में आ सकते हैं। हमने फ़िलहाल अपने लिए एक ले लिया, ये ऐसा कुछ यहाँ पर मतलब होम डेकोरेशन वाला एरिया है, और यहाँ से आप खेल सकते हैं। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत आपका। तो उत्तराखंड का फेमस सती जी का अचार टेस्ट किया क्या? तो उत्तराखंड का भी यहाँ पर सामान मिल रहा है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उत्तराखंड की आई हुई बाल मिठाई आपको मिल जाएगी, साथ साथ में उत्तराखंड का बना हुआ सती का अचार, ऐसा कुछ। तो देखो, मेरे पास सबसे बड़ी आफत होगी है ये कालीन जो निहारिका ने खरीदा है, इसके बाद वो अभी एक दुकान में चिपकी हुई है, हमने एक चप्पल ले ली है, एक जूते ले लिए हैं, ये कालीन ले लगी है कि सोचती है कि वहाँ पर कुछ अलग एंटी टाइप का कुछ वो मिल रहा था, तो सोचा कि वो कर लेंगे। तो तब मैं इन भाई साहब से मजे लेता हूँ। देखो, हेलो हेलो, मेरा शोरूम कानपुर रोड, बिल्कुल सेल लगी है, 50 रुपए साड़ी, वो देखिए वहाँ पे। अच्छा, मेरा शोरूम ठीक है, महोत्सव में लगे हैं। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारे वहाँ आइए, 50 रुपए में साड़ी मिल रही है अजमेरा शोरूम पे। तो 50 रुपए की साड़ी लेने कैसी होगी ये देखा जाएगा। तो यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर सब लोग ले रहे हैं सेल्फी, लिखा हुआ है भारत महोत्सव, मोस्टली पुल एपरी सेल्फी खींच रहे हैं। तो देखो, निहारिका ने अपने लिए एक टोकरी भी ले ली है, बहुत इन्हें टोकरी लेनी बोल रही थी, आज वो टोकरी इसने ले ली। अभी मेला काफ़ी बचा हुआ है, यानी कि अभी तो हम बाहर तक गए नहीं हुए हैं, ये कहानी मतलब लगता है। मैं आज लेके आया हूँ बाइक, और इसने सामान खरीद लिया पूरे कार के हिसाब से। अभी जब उसे पता चला कि हम लोग बाइक से आए, तब वो पीछे पकड़ना तो उसी को पड़ेगा ना। तो शाम के टाइम में जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं सामने भारत महोत्सव के, इधर टेंट लगा हुआ है वो सामने आप देख रहे टेंट, तो वहाँ पे सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे लोग बजा रहे हैं बाजा बहुत तगड़ा वाला, और डांस कर रहे हैं ये। अगर आपको चाहिए पश्मीना शॉल, कुछ भी कश्मीर का आइटम, तो आपको मिलेगा वो सारा का सारा इस जगह पे, बी ब्लॉक में, यानी बी ब्लॉक में वो सब जगह आपको मिलेगा। तो यहीं ज़्यादा भीड़ भी है, आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे इस मेले में आके, थोड़ा जेब भारी करके लाइएगा। तो अगर आपको होम डेकोरेशन के लिए कुर्सी सोफ़ा या ऐसे कुछ गमले चाहिए, तो यहाँ
है काफ़ी अच्छी, और झूले भी हैं देखिए, बैठने के लिए काफ़ी अच्छे झूले भी लगे हुए हैं, तो झूले में आप आनंद ले सकते हैं। लोग यहाँ पे झूले में बैठ के फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। सोफ़ा भी यहाँ पे है काफ़ी अच्छा अच्छा शीशा, तो मैंने आपको पिछले मेले में भी दिखाया था सोफ़ा, देखो यह है। तो ऐसा कुछ ये हथकर का उद्योग है, नहीं नहीं तो ये है डाइनिंग टेबल, ये तो पैक होकर घर आ जाएगी आराम से। तो सब लोग मतलब मजे ले रहे हैं, भले अपने शौक पूरा कर रहे हैं फोटो खिंचा के भी उसके साथ। तो मैंने एक भैया एक प्रण कर लिया, पहले तो निहारिका को मेले पे लेके नहीं आना है, ठीक है, लाना है लाना है, हम खुद नहीं आएंगे बोली, अब नाराज़ होगी निहारिका। और दूसरी बार अगर आऊँगा तो फिर बाइक से नहीं आऊँगा, हमेशा आऊँगा कार से, क्योंकि मैं मतलब अभी ये सामान तो इसने इतना खरीद लिया है, अभी बाइक में कहीं जाएगा, क्योंकि इसको लेके आना है मेले पे, तो मैं बाहर तक बाइक स्टैंड तक लेके आऊँगा। लेकिन तो आप ज़रूर आइए मेला देखने के लिए, लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव आइए, वो भी कार लेके आइए और थोड़ा पैसा भी ज़्यादा लेके आइए जेब में। सामान बहुत अच्छा अच्छा है यहाँ पे मतलब, और खाने पीने से लेके झूला और बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छा है, आपके पास बस पैसा होना चाहिए जेब में। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, अगर आपको लगा अच्छा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर आए हैं तो पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, फिर से किसी नए शहर में, तब तक के लिए जय दोमी जय उत्तराखंड। अब हम जा रहे हैं बनारसी पान खाने के लिए, ठीक है, बनारसी पान, उसके बाद ब्लॉग आ रहा हूँ।